नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एसएल ने अपने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया है। आप इस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको एसएल की वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड हॉल टिकट फॉर बीकॉम ऑनर्स बी ऑनर्स इंग्लिश, आप इस पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे नॉर्थ सिलेक्ट करें, अगर आप साउथ के हैं तो यहाँ पे साउथ। यहाँ पे आपको एसएल रोल नंबर डालना है, जो कि कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। यह आपके आईडी कार्ड और आपकी फी रिसिप्ट पे भी होता है। अब उसके बाद मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2001 है, इसके लिए आपको पहले यहाँ पे जुलाई सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहां से ड्रॉप डाउन से 2001 सिलेक्ट करना है। अब आपकी 1 जुलाई है तो यहां पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट रहेगा। शो करें आप। शो करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहां पे आपका पेपर का नेम होगा, यहां पे आपका यूपीसी कोड होगा, यहां पे आपका डे, यहां पे आपके एग्जाम की डेट और यहां पे टाइमिंग। आप यहां पे इसकी सारी इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लें कि एडमिट कार्ड पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो डेट है इस पे एडमिट कार्ड पे, उसको अपनी डेट शीट से एक बार वेरीफाई कर लें, जो कि एसओएल की वेबसाइट पे है। और आप इसका कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है उस पर भी आप ले जा सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाए तो साथ में अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जाए, जब देने जाए आप पढ़ लें। जैसे यहाँ पे दे रखा है मोबाइल फोन वायरलेस ब्लूटूथ, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। और ये आप जो एडमिट कार्ड है इसको लैमिनेट ना करवाएं, बट फ्यूचर के लिए आप अपने पास इसको पीडीएफ फॉर्म में भी सेव रखें, इनके हिसाब से कहीं मिसप्लेस हो जाए और आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर कर रहे हैं एसएल, तो वो आपसे एडमिट कार्ड मांगेगा कि आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, आपका एडमिट कार्ड कहाँ है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे लिखा है जैसे कृपया सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र और परीक्षा स्थल का पूरा पता दिया गया हो। अगर मान लीजिए जैसे आपका एडमिट कार्ड में कोई भी इश्यू होता है तो आप सीधे एसएल ब्रांच जाएं, वहां पे जाके बात करें। और यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर लिखते समय परीक्षार्थी को सावधानी रखनी चाहिए, गलत रोल नंबर लिखने पर हो सकता है कि उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ना हो पाए अथवा उत्तर पुस्तिका कहीं खो जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। तो अपना रोल नंबर आप सही से डालें, यहां से प्रिंट करें और इसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करें और इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। और इसके में कोई भी जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो जरूरी नहीं है कोई स्टैंप वगैरह करवानी, बस अपने साथ इसका एक आईडी प्रूफ लेके जाएं और एग्जाम दें। इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।